नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरु दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले महिला महाविद्यालय में। मैं रंजना श्रीवास्तव, समाजशास्त्र प्रवक्ता। आज हम चर्चा करेंगे समाज में कुप्रथा के विषय में, जिसमें प्रमुख है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक अभिशाप के रूप में भारतीय समाज में अनेक प्रथाएं प्रचलित है। पहले इस प्रथा के प्रचलन में भेंट स्वरूप बेटी को उसके विवाह पर उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता था, परंतु आज दहेज प्रथा एक बुराई का रूप धारण करती जा रही है। दहेज के अभाव में योग्य कन्याएं अयोग्य वरों को सौंप दी जाती हैं। लोग धन देकर लड़कियों को खरीद लेते हैं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन सुखद नहीं बन पाता। गरीब परिवार के माता पिता बेटियों का विवाह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समाज के दहेज लोभी व्यक्ति उसी लड़की से विवाह करना पसंद करते हैं जो अधिक से अधिक दहेज लेकर आती है। हमारे देश में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक, दोनों को बढ़ावा देता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है। अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं, वहीं निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी के विवाह में दहेज देना उनके लिए व्यवस्था बन जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दहेज ना दिया गया तो यह उनके मान सम्मान को तो समाप्त करेगा ही, साथ ही बेटी के विवाह में किए गए व्यय को अपने लिए एक निवेश मानते हैं। उन्हें लगता है कि बहुमूल्य उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह सीधा उनकी बेटी को भी ससुराल में सम्मान और प्रेम मिलेगा। दहेज कम लाने पर शादी के पश्चात बहुओं को मारा पीटा जाता है, बहुओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जला भी दिया जाता है। प्राचीन काल में स्त्री पुरुष का प्रणय बंधन कभी एक पुनीत रीति था। माता पिता इसे अपना कर्तव्य समझते थे और कन्यादान को ही महादान समझा जाता था। मूल रूप से दहेज एक कुप्रथा है। गौरतलब है कि भारत में 8.9% लड़कियां 13 वर्ष की उम्र से पहले विवाह कर दिया जाता है, जबकि अन्य 23.5% लड़कियों की शादी 15 वर्ष की आयु तक हो जाती है। लड़कियां जितनी पढ़ेंगी लिखेंगी और बढ़ेंगी उतना ही उपयुक्त वर तलाशना होगा और उसके रेट के मुताबिक दहेज जुटा पाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए कम उम्र की कम पढ़ी लिखी लड़की का विवाह कर कन्यादान का पुण्य प्रताप करना अधिकांश लोग अच्छा मानते हैं। दहेज के दानों के भय से ही पूरे देश में गैर कानूनी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में हर रोज लाखों लड़कियां मां की कोख में ही मारी जा रही हैं। लड़कियों के पोषण से संबंधित एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्रत्येक पैदा हुए 1000 लड़कियों में से 766 लड़कियां ही समाज में जीवित रहती हैं। लड़कियों की उपेक्षा का आलम यह है कि संभ्रांत समझे जाने वाले परिवारों ने भी यह समझना नहीं चाहा है कि परिवार में बेटियों का जन्म यदि नहीं होगा तो इसी परिवार में बहुएं कहां से आएंगी। दहेज प्रथा का मुख्य कारण। दहेज कुप्रथा का एक मुख्य कारण यह है कि आज तक हम नारी को नर के बराबर नहीं समझते हैं। लड़के वाले समझते हैं कि वह लड़की वालों पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। यही नहीं, विवाह के बाद भी वे लड़की को मन से अपने परिवार का अंग नहीं समझते। यही कारण है कि वह हृदयहीन बनकर भोली भाली भावुक नवविवाहित युवती को इतना कठोर यातनाएं देते हैं। दहेज प्रथा जैसे समस्या का समाधान। दहेज प्रथा बंद कैसे हो? इस प्रश्न का एक सीधा साधा उत्तर है, कानून से। लेकिन हम देख चुके हैं कि कानून से कुछ नहीं हो सकता। कानून लागू करने के लिए एक ईमानदार व्यवस्था की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त जब तक
सशक्त गवाह और पैरवी करने वाले दूसरे लोग दिलचस्पी न लेंगे, पुलिस तथा अदालतें कुछ न कर सकेंगी। दहेज को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक चेतना आवश्यक है। कुछ गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जिस घर में बड़ी बारात आए उस गांव के कोई भी निवासी उसे बधाई देने नहीं जाएगा। ऐसा उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा।